बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज लोकोमोशन इन अर्थवर्म, टॉपिक 22, चैप्टर 16, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। देयर आर टू लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अर्थवर्म और टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स अर्थवर्म इन मूवमेंट। फर्स्ट वन इज सिटाई, सेकेंड वन इज इट्स मसल्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिटाई। सिटाई आर स्मॉल नीडल लाइक प्रोजेक्शंस, छोटी छोटी नीडल्स की तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं, इसकी बॉडी के लोअर पार्ट से, विच इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दिस सिटाई हेल्प्स इन द एंकरिंग एंड होल्डिंग द ग्राउंड, एंकरिंग एंड होल्डिंग द ग्राउंड। सो दिस सिटाई आर द प्रोजेक्शन दैट इज प्रेजेंट ऑन होल द लोअर साइड ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस दिस फंक्शन ऑफ इट्स मसल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। सर्कुलर मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अरेंज अलोंग द रेडियस ऑफ द बॉडी, जो अलोंग द रेडियस और डायग्राम डायामीटर के अलोंग अरेंज होते हैं, उन मसल्स को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मसल्स। सो फर्स्ट इट कॉन्ट्रैक्ट्स द सर्कुलर मसल्स ऑफ एक्सट्रीम इंटीरियर साइड एंड प्रोजेक्ट्स इट्स सिटाई आउटसाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल्स एक्सट्रीम एंड पोस्टीरियर साइड एंड एक्सटेंड्स और प्रोजेक्ट आउट द सिटाई ऑफ द पोस्टीरियर साइड। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द सर्कुलर मसल्स मीन दीज मसल्स हेल्प इन एक्सटेंडिंग इट्स बॉडी और हेल्प इन द लेंथनिंग ऑफ बॉडी। आफ्टर दैट इट एंकर इन द सिटाई इन टू द सॉइल। देन इन द थर्ड पार्ट इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स मसल्स, विच मसल्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड विच शॉर्टन्स इट्स बॉडी, जो कि इसकी बॉडी को क्या कर देते हैं, शॉर्टन कर देते हैं। एंड सिटाई रिमेन्स अटैच टू द ग्राउंड विच पुल द होल बॉडी फॉरवर्ड, विच पुल द होल बॉडी फॉरवर्ड। अर्थवर्म द लोकोमोशन इन अर्थवर्म टेक्स प्लेस विद टू ऑर्गन्स सिटाई एंड मसल्स। इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट्स, मीडियल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर मीन द फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट यूज इट्स मसल्स एंड सिटाई अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द डिवीजंस ऑफ द बॉडी और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट दिस सिटाई प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ इंटीरियर एंड कम्स आउट।
and anchor and holds it the ground firmly. The longitudinal muscles contract and circular muscles relax. Remember, longitudinal and circular muscles always act antagonistic to each other. Antagonistic to each other. Mean if one muscle contracts, eventually other muscle relax. And this antagonistic function also helps in the lengthening or shortening of the body. Then the sitai of the body also comes out according to the contraction and relaxation of the part of the body. The whole concept is its body expands, sitai comes out and anchors its ground, then it pulls its sitai upward from backward, backside, and pulls the whole body forward. So this is all about the movement in earthworm, which takes place with the help of sitai and muscles. Again, you just need to remember the time or the event when sitai comes out or from which part. Sitai is just used to hold the ground so that relaxation and contraction can take place easily. You need to draw the structure of earthworm, its muscles, its sitai, and remember the difference between the longitudinal and circular muscles and how relaxation and contraction of body helps in the movement of whole organism. This is all about your today's lecture.